आईपीएल 2024 क्वालिफायर 1 यानी मंगलवार 21 मई को अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। इस मैच को जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच की विजेता से भिड़ना होगा। ऐसे में केकेआर और एसआरएच दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जल्दी से फाइनल का टिकट कंफर्म किया जाए। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। इससे पहले जान लीजिए कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। दरअसल सबसे पहले केकेआर की बात करें तो जिसके पास सुनील नारायण का जोड़ीदार नहीं है, अभी तक फिल सॉल्ट उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से संभाल रहे थे, लेकिन वो नेशनल ड्यूटी के कारण आईपीएल 2024 छोड़ वतन वापस लौट चुके हैं। ऐसे में उनके नए जोड़ीदार रहमानुल्लाह गुरबाज हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई बदलाव में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव अरोड़ा होंगे, जबकि पहले गेंदबाजी आने पर रिंकू सिंह या वेंकटेश अय्यर बाहर बैठ सकते हैं। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ओपन करेंगे। 3 नंबर पर नीतीश राणा, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 नंबर पर वेंकटेश अय्यर, 6 नंबर पर रिंकू सिंह, 7 नंबर पर आंद्रे रसेल, 8 नंबर पर रमनदीप सिंह, 9 नंबर पर मिचेल स्टार्क, 10 नंबर पर हर्षित राणा और 11 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो टीम में एक बदलाव हो सकता है। विजयकांत वियासंग की जगह मयंक मार्कंडे को मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको स्पिन का थोड़ा अनुभव है। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी टीम में बने रह सकते हैं, जो लंबे समय बाद खेले थे। ऐसे में मयंक अग्रवाल को मौका मिलने का चांस नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नटराजन ही खेलते हुए नजर आएंगे। एसआरएच की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी। 3 नंबर पर राहुल त्रिपाठी, 4 नंबर पर नीतीश रेड्डी, 5 नंबर पर एंड्रिक क्लासेन, 6 नंबर पर अब्दुल समद, 7 नंबर पर शाहबाज अहमद, 8 नंबर पर पैट कमिंस, 9 नंबर पर सनवीर सिंह, 10 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और 11 नंबर पर मयंक मार्कंडे खेलते नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि दोनों ही टीमों के बीच पहले मुकाबले में कौन बाजी मारता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।